कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसको कोई कुछ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा, ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आएँ। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन हैं। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फ़ोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूँ, तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए, ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे, पहले ले आते। जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते। क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि ये भी जानते हैं अंदर खाने ये भी जानते हैं कि इस अध्यादेश का क्या होगा। तो क्या ये अध्यादेश केवल इस 1.25 महीने की छुट्टियों के लिए लाया गया है?